तो दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि साड़ी हाईनेक के साथ साड़ी या स्वेटर के साथ साड़ी कैसे पहनती हैं, प्लीज़ बताइए। तो कुछ नहीं करना होता है, सिंपल आप जैसे साड़ी पहनते हैं वैसे ही पहननी होती है। लेकिन जो इनर या स्वेटर आप हाईनेक या स्वेटर कुछ भी पहनते हैं जिसमें बटन है नहीं है, बटन है तो बंद करके बस पेटीकोट के अंदर साड़ी जहाँ प्लेट जैसे डालते हैं पूरी साड़ी को जहाँ इन करते हैं वहीं पे आपको स्वेटर को पूरा इन कर लेना है, पूरा अंदर मतलब स्वेटर जो भी है अंदर कर लीजिए। उसके बाद बढ़िया सा पेटीकोट बांध के फिर साड़ी पहनिए, और साड़ी जैसे पहनते सेम वैसे ही पहननी होती है, बस कुछ भी नहीं करना होता है। प्लेट बनाइए और पिन लगा लीजिए, बहुत ही आसान है। और इसके हाईनेक के साथ आराम भी रहता है, अच्छी भी लगती है, और दूसरी ठंड भी नहीं लगती। तो ठंड में साड़ी के साथ बहुत दिक्कत होती थी स्वेटर वगैरह पहनने में मुझे, लेकिन जब से मैंने इस तरह से पहनना शुरू किया ना मुझे बहुत ही आरामदायक होता है। और आप लोग भी बोलते हैं, पिछली बार भी मैंने पिछली ठंडियों में भी एक बार शेयर किया था तो आप लोग की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा आप लोग को मैं ये थर्सडे को ही वीडियो बनाई थी, उसी दिन मुझे कल के ही वीडियो अपलोड करना था पर गलती से ये वीडियो रह गई थी। तो मैंने कहा फिर कल रिक्वेस्ट आई तो मैंने कहा आज मैं इस वीडियो को ज़रूर अपलोड कर दूं, क्योंकि मेरी फैमिली अगर परेशान हो कोई चीज़ पूछे तो मुझे लगता है मैं कितनी जल्द आप लोग तक वो वीडियो पहुंचाऊं। तो बस कुछ नहीं करना, बस प्लेट बनाई और साड़ी प्लेट्स मुझे इस बात के लिए कई बार टोका गया है पर मेरे गलती से प्लेट ही निकलती है, प्लेट्स होती हैं चाहे ऊपर की हुई चाहे नीचे की, तो बस वैसे ही पहननी होती सेम। तो शायद आप लोग को समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है और आप लोग ज़रूर पहन के ट्राई करिएगा। हाईनेक आप रेड ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, मतलब दो तीन कलर के ले लीजिए और हर साड़ी के साथ पहन सकते हैं। और स्वेटर तो वैसे भी आदमी हर उसका मैचिंग का थोड़ी नहीं रखता है, एक दो ले लिया तो सब पे पहन लेता है, तो बस उसी तरह से। तो अभी अगला दिन शुरू हो गया है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मेरे कामों की शुरुआत हो गई है, चाय पानी हो चुका है, यहाँ पर मुझे बेड शीट चेंज करनी थी तो मैंने चेंज कर दी है। और गर्म ठंड बढ़ती ही जा रही है, इस समय कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है। आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है और उसके बाद खाने में लगी हूँ। तो दाल मैंने चढ़ाई है, दाल में अच्छे से आलू को धो के ना, मैं कई बार भरता वगैरह जो बनाना होता है आलू का काम होता है ना, तो मुझे ऐसे ही मैं दाल में आलू दो चार डाल देती हूँ और साथ साथ दो काम होता है, एक पंत दो का दाल भी पकती है प्लस मेरी आलू भी पक जाती, क्योंकि ज़्यादा आलू की ज़रूरत नहीं होती, तीन चार आलू के लिए क्या अलग से सीटी लगवाना। तो बस, और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ अपने बच्चा पार्टी के पास में, ये उठते नहीं हैं तो इनको उठाने के लिए मुझे जाना पड़ता है इनके रूम में, लॉक मतलब खटखटाऊंगी, फिर इन्हें चिल्लाऊंगी, फिर कंबल खींचूंगी उठाऊंगी तब जाके, ठंड में तो बस कंबल खींचो तो फिर से दोबारा से कंबल खींच के ओढ़ लेते हैं ये बच्चे, ऐसे ही करते हैं, आप लोगों के भी ऐसे ही बच्चे होते ही ऐसे हैं। और इधर ये सुबह सुबह लगे हैं अपने गाड़ी की सफाई में, आज ये मतलब छुट्टी पे हैं, घर में हैं तो सुबह की सफाई बोल रहे हैं कि बहुत दिन हो गया गाड़ी को साफ़ किए हुए, तो पानी लगा के अपना धुलाई कर रहे हैं, ठंड बोले कि ठंड बढ़ती जा रही है तो एक बार धुलाई हो जाए सुबह सुबह। और मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा, आटे में डाला है थोड़ा सा बेसन, दो बड़े चम्मच समझ लीजिए, उसके बाद डाल दिया है इसमें आलू, ग्रेट किए हुए आलू डाल दिए हैं, और उसके बाद ये मेथी, तो मतलब ये फटाफट से पराठा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। उसके बाद थोड़ी सी इसमें मेथी डाल दिए हाथ से क्रश करके, उसके बाद मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, उससे अच्छा कलर दिखेगा पीला पीला, लेकिन मुझे ना हल्दी का थोड़ा सा टेस्ट कम अच्छा लगता है इसलिए मैंने नहीं डाला है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उसके बाद थोड़ी सी इसमें हरी धनिया, हरी धनिया का टेस्ट तो जानते ही हैं, किसी भी रेसिपी में डालिए टेस्ट बढ़ जाता है, तो बस हरी धनिया डाली है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्च डाल दी है, और इसमें ना आप मलाई भी डाल सकते हैं और तेल जो होता है रिफाइंड, थोड़ी सी मैंने मलाई फ्रीज में निकाल के कल शाम को रखी थी ना तो वो एकदम जम गई थी, तो फ्रेश मलाई थोड़ी सी डालिए या फिर तेल डाल दीजिए तो पराठे बड़े सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं। तो बस इसके डालने के बाद आलू डाला है ना और मलाई डाली है, तो पहले अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि ये जो हम आटा गूंदते हैं ना तो ये आटा बाद में एकदम सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए टाइट आटा ही गूंदना है और पानी बड़े हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालते हुए।
और आटा चाहे पराठे का हो, रोटी का हो, किसी का भी हो, आटा थोड़ा मेहनत करके गूंदने से ना आटा सॉफ्ट भी बन जाता है और जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है पेट में ना, रोटी जो पहले के समय में देखते थे आटा बहुत अच्छे से गूंदा जाता था और टाइट थोड़ा सा, एकदम सॉफ्ट नहीं। जब सॉफ्ट गूंदते हैं तो उसमें मेहनत नहीं करते हैं हम, हार्ड मतलब जब टाइट रहता तो हम मरद मरद के उसको चिकना करने के लिए काफ़ी देर मेहनत करते हैं। वो जो रोटी बनती है उसकी, वो रोटी बड़ी अच्छी सॉफ्ट बनती है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो इसलिए मेरी सासू माँ मुझे सिखाया करती थी, ये बात बताया करती थी कि आटा को खूब गूंद के थोड़ा टाइट ही रखना होता है, एकदम ढीला आटा नहीं गूंदना चाहिए। तो जब आई थी वो तो ऐसे बोलती थी। और यहाँ पर बस मैंने तिकोने पराठे बनाए हैं, और ये वाले पराठे ना जो गोले वाले बनते हैं रोटी की, वैसे तो पराठे वैसे भी बन सकते हैं पर ये वाले और सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। वैसे तो ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी और अच्छा। आप लोग ये आलू मेथी पराठा एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं फटाफट से पराठे सेक रही हूँ, साथ में चाय चढ़ा दी है। सुबह की जो भागम भाग होती है ना, उसमें हम कितनी जल्दी जल्दी किस तरह से काम मैनेज करो। यहाँ पर ये देखिए आग लग गई है, मैं दाल छौंकने के चक्कर में दाल चढ़ा के उधर चली गई थी कुछ काम करने के लिए, और ऐसे ही होता ना हमें कि कोई भी चीज रखते हैं कि अभी आ जाए, और रखने के बाद ध्यान से गया उतर, और जब इसमें मैंने गीला रुमाल डाला है तो एक भी तरह से फूकने से तो और तेज, पानी छिट्टे डाले तो और तेज हो गया, और बाद में जब गीला रुमाल डाला है तब जाके ये बंद हुआ है। आग से खेल, आज मम्मी ने आग लगा दी, कह रहे हैं क्या करूं, इसमें तेल चढ़ाया था और उधर चली गई, दूसरे काम में लग गई, जला भी नहीं, और उसके बाद ये तेल क्या हालत हुई है, आग ही नहीं बंद हो रही थी और इससे जल्दी में दिमाग भी नहीं काम करता। तो दीपू ने बोला कि उस पे गीला कपड़ा डालो, बंद होगा तब बंद होगा, नहीं पूरा जब तेल जल जाता ना तभी ये शांत होगा। तो पूरे धुआं ही धुआं हो गया है, एग्जास्ट चला दिया है, थोड़ा सा धुआं बाहर हो, तो ये होते कभी कभी जल्दी में क्या क्या हो जाता है। तो यहाँ पर हो रही है पूजा, और ये आज अकेले ही कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं करनी थी, जब मैं नहीं करने लायक रहती तो अकेले ही करते हैं। और जल वगैरह भी चढ़ाना, सब कुछ करना, कई बार ये लेट होते रहते हैं ना, तो मैं इनको बोलती हूँ कि जल चढ़ाने का काम छोड़ दो, मैं बाद में चढ़ा लूँगी, आप जाओ अपना तैयार होकर खा पी कर जाओ। और मैं भी ऐसा करती हूँ, जब लेट होती रहती हूँ तो नहा लेती हूँ, पर पूजा करने का काम सबको भेजने के बाद जाके तब पूजा करती हूँ। लेकिन आज तो इनके पास टाइम था, घर पर ही थे, तो आराम से पूजा किए हैं, आराम से नहाए धोए हैं। छुट्टी वाले दिन लगता है ना कि आराम से रिलैक्स से सुकून से काम करो, तो आज ये सुकून से अपने लगे हुए हैं धीरे धीरे, और मैं अपना काम निपटा के कंघी वगैरह, हमेशा ना उस टाइम में सुबह की भाग दौड़ में कुछ नहीं होता है, आप लोगों का भी नहीं होता, कई बार तो नहाना भी नहीं होता है जो सुबह इतनी जल्दी होती है, कई बार टाइम मिलता है तो मैं नहा लेती हूँ। वो हमारे टाइम के ऊपर रहता है, जितना भी हो सकता है मैं जल्दी सोचती हूँ काम निपटाने की, कि क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे ना तो जल्दी फुर्सत हो जाती, और जितने ही हम रिलैक्स सोच के करते हैं ना उतने ही लेट में फुर्सत होते हैं, काम तो और लेट होते जाते हैं। इसलिए भागम भाग में ठीक है, भागम भाग भले होती है पर हमारे सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाते हैं, तो ये सारे काम भी मेरे पड़े रह जाते हैं। और ये वाइट वाइट्स पे मैंने पेंट कर दिया था, ये ब्राउन कलर की लकड़ियाँ थी, तो अब इस पे जो कोई चीज़ रखो ना तो उसका निशान बहुत पड़ जाता है, कितना भी साफ करो वो साफ भी नहीं होता है। तो फिर भी डस्टिंग हम डेली जैसे करती हूँ तो कर ही देती हूँ, और सब कुछ करने के बाद तब चूल्हा मतलब चूल्हा गैस चूल्हा तो साफ करना रह गया, और बर्तन पड़े हैं नाश्ते का, ये सारे काम मुझे निपटा के करते करते ना 12 बज जाता है, 12 बजे तक मैं एकदम फ्री होती हूँ सारे काम, और टाइम भी देखती रहती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपना टाइम मैनेज करके रखना, तब हम उस हिसाब से फुर्सत हो जाते हैं। तो मेरे माइंड में टाइम सेट रहता है कि इस टाइम पे मुझे ये काम अपना फुर्सत हो जाना, अगले दिन अगर मैं किसी दिन वो टाइम पे नहीं कर पाती तब मुझे होती कि अरे आज मैं लेट हो गई, इस टाइम पे मैं रोज़ फ्री हो जाती थी, इतने बजे तक काम हो जाता था ये वाला मेरा काम। इसलिए टाइम बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर बॉक्स खोला है मैंने, और ये वॉच घड़ी आप लोगों को शायद याद हो जो रक्षाबंधन थी, तो एक मतलब वहाँ पे थे तो किसी मतलब पार्टी के नेता, तो उनने घड़ी गिफ्ट करी थी, उनको राखी बांधने के लिए सब इकट्ठा हुई थी लेडीजें, उसमें मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी गई थी, तो वहीं से ये घड़ी काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। और ये हीटर रूम
हीटर जो होता है ना, ठंड बढ़ रही है तो बच्चों को ज़रूरत लग रही थी मम्मी निकाल दो निकाल दो, तो मैंने खोल के हीटर निकाल दिया है और ये घड़ी इतने समय से पड़ी थी। और ज़रूरत पड़ती थी कहाँ पे, मंदिर में, मंदिर में ये जब जाते हैं ना पूजा करने में जैसे 1 घंटे लगता है तो ये कई बार लेट होते रहते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, तो घड़ी बार बार टाइम पूछते हैं वहीं से कि कितने बज गए, कितना टाइम हो गया। तो मैंने क्या किया कि इस घड़ी के लिए मैंने एक सेल मंगाया और इसमें घड़ी में सेल लगा के मैंने कहा इसको वहाँ लगा देते हैं ऊपर जहाँ पूजा करते हैं सामने, तो ताकि जब भी टाइम वहाँ पे इनको जल्दी हो तो अपना टाइम वहीं से देखते रहें और उसी हिसाब से पूजा करके जल्दी निपटाए। तो इन्हीं को बोला मैंने, घड़ी निकाल के दी और यहाँ पे एक कील, मतलब ऊपर जो मोंटी का दरवाज़ा है उसके ऊपर इन्होंने कील ठोंक दी है और घड़ी वहाँ पे लगा दी है। अच्छी लग रही है घड़ी, वैसे है तो गिफ्ट की ही। और अभी हो गया है शाम का समय और आज फिर बनेगा निमोना खाने में, तो उसके लिए हरी धनिया घर में नहीं थी तो ढेर सारी हमने कई चीज़ों में धनिया डाल दिए थे तो बहुत अच्छी हुई है और इतनी इसकी अच्छी खुशबू आती, जो हमने लगाई है धनिया लहसुन उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती, तो आज इसी का काट के तोड़ के इसी से निमोना में बनाएंगे। और मैं एक चीज़ और बताने वाली थी कि कल है संडे और संडे के दिन मैं लाइव आने की सोच रही हूँ और आऊँगी, पक्का आऊँगी, आप लोग बोलते हैं और मुझे भी बात करनी है, कई बार कमेंट आते रहते हैं आप कब आओगे लाइव, तो संडे को सोच रही हूँ 2 बजे। पिछली बार ना मैं लाइव गई थी उसके बाद आ रहा था कमेंट, आपने बताया क्यों नहीं, आप पहले बता दिया करो दी, तो इसलिए मैं आज एक दिन पहले ही बता रही हूँ। वैसे तो पोस्ट मैं कल भी कर दूँगी, कम्युनिटी पोस्ट और शॉर्ट वीडियो में मैं इस बार बता दूँगी, जिस जो कोई देख लेगा भाई, किसी का मिस ना हो बाद में। वो लोग भी जब मैसेज करते हैं मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो लाइव में आना चाहते थे, लाइव में बात करना चाहते थे, नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि कल संडे को 2 बजे आप लोग भी टाइम निकालिएगा, मैं भी निकाल के ढेर सारी बातें करेंगे। ड्राइंग करने लगते हैं तो ड्राइंग में ही तो देव मेरे ज्यादातर ड्राइंग में, इनको बहुत इंटरेस्ट है, सांप को अक्सर ड्राइंग लेके बैठते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं करते, पर ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है। तो आज क्या बनाया है दिखा दो इधर जरा, दीपू भी करती हैं, देव भी करते हैं, कल दीपू ने बहुत अच्छी ड्राइंग बना के लेके गई, दे दिया था टीचर को दीपू, लगा दिया क्लास में, ये देखिए दिख रहा है बहुत हल्की हल्की पेंसिल से, एकदम डार्क नहीं है, हल्की लाइट पेंसिल है तो दिख नहीं रहा ऐसा लग रहा। तो भैया सब कुछ हो गया, सारे काम सब कुछ, फुर्सत हूँ और अभी वीडियो को यहीं एंड करूँगी। और एंड करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छी, अक्सर उनके वीडियो, हर वीडियो पे मेरे कमेंट आते रहते हैं, उनका है बर्थडे तो कल 10 तारीख को, और ये वीडियो 10 तारीख को मिलेगा तो मैं उनको बर्थडे की, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में मतलब हमेशा खुश रहें और वो जो चाहती हैं माता रानी करें कि उनकी गोद भर जाए। और आप सभी लोग भी प्लीज़ प्रार्थना करिएगा उनके लिए, उनके कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं तो उनकी गोद भरे और खुशियां दें भगवान, उन्हें सारी खुशियां मिले, और सभी लोग प्रे करिएगा। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ मेरे बच्चा पार्टी सब बैठे हैं, भाई पढ़ाई लिखाई करेंगे ये तो सोएंगे, और मैं भी चल रही हूँ, मेरा सब कुछ हो गया है, बिंदी गिर गई है तो अब मैं लगाने भी नहीं गई, मुदुला तो बिंदी गिर गई, तो चलिए सारे काम सब कुछ करके आज मैं जल्दी फुर्सत हो गई। 9 बज रहे हैं और 9 बजे मैंने सारे काम निपटा लिए हैं और बस अब लेटना है, तो अभी थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चलाऊंगी, तुरंत ही तो नहीं सो जाऊंगी, सोते सोते तो 10 बजने ही हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, तुम लोग भी बर्थडे विश करो भाई, हैप्पी बर्थडे, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अंजू जी आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझे करते रहिए और मैं तो अपने सारे ही सब्सक्राइबर का दिल से थैंक यू डेली करती हूँ कि आप लोग इतना कीमती समय मुझे देते हैं। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।